भाई ये आइसक्रीम में पहली बार मुझे पिस्टेशो फ्लेवर मिला है तो मैंने ये ले लिया। देखें भाई माशाल्लाह तबरकल्लाह फुल हो गया जमजम, पूरी सीट हम लोगों ने ना फुल कर दी है। अभी भाई हमारे पास लखनवी बिरयानी आ चुकी हुई है और चिकन लबाबदार। लखनऊ में हमारे टुंडे कबाब के नाम से फेमस है। ठीक हो गया, ये शामी कबाब लखनवी। शामी कबाब लखनवी। हमारी इस कार पे हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी सर्विस वगैरह करवानी है। इसके अलावा हम लोगों ने आज खाना खाना है लखनवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक और व्लॉग में खुशामदीद। ये भाई हमारे मोहल्ले का है सर्विस स्टेशन, इसको पंचरी कहते हैं यहाँ पर, मतलब पंचर भी लगाते हैं और वैसे यहाँ पर इसका नाम पंचरी ही मशहूर होता है, बंशरी कहते हैं अरबी में। तो यहाँ पर ऑयल चेंज, पंचर वगैरह लगवाना और टायर्स का बैलेंस करना, ये सब कुछ होता है इस तरह। तो हमने ऑयल चेंज कराना है विद फिल्टर और टायरों का बैलेंस करवाना है। इसमें नहीं आएंगी पूरी? नहीं 60 नहीं आएंगी। 60 नहीं आएंगी, 60 नहीं आएंगी। अभी भाई हम लोग जमजम लेने के लिए आए हुए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लेनी है 60। ठीक हो? वीडियो से देखना। अच्छा, बड़ी मेहरबानी यार, ये सारे भाई जानने वाले निकल आए। अच्छा, दो नंबर वाले देना भाई, मैं ले लूँ वहाँ से। पिछले हफ्ते आया था मैं, हाँ बिल्कुल इसी टाइम पे आया। ये अभी भाई हेल्प करवा रहे हैं हमारी, इसमें लेंगे 40 और हमने मजीद 20 उठानी है इसमें से। लास्ट वीक हमने लिया था, वो आपने व्लॉग देखा होगा लास्ट वीक वाला, तो ये भाइयों ने भी देखा कि यार आए हुए थे अब्दुल मालिक भाई यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे एक बात का पता नहीं था, 20 देते हैं एक बार में, मैंने लास्ट टाइम 10 लिए थे, 10 अपने नाम से, 10 अपने अहलिया के नाम से। लेकिन 15 दिन में, अभी मैंने कंफर्म किया, 15 दिन में दोबारा आप आके ले सकते हैं। ये सीन है यहाँ पे। 20 आ गई इधर और 40 हैं भाई के पास। हो गए 40 कंप्लीट? ओके ठीक हो गया। आपका नाम नहीं बताया यार। आतिफ भाई माशाल्लाह हमारी हेल्प कर रहे हैं इधर। आज भाई हमने गाड़ी अपनी जो है ना फुल कर देनी है इंशाल्लाह जमजम से। इनका फटने का खुलने का खतरा तो नहीं होता? देखें भाई माशाल्लाह तबरकल्लाह फुल हो गया जमजम, पूरी सीट हम लोगों ने ना फुल कर दी है जमजम की। भाई लास्ट टाइम जो मैंने कहा था ना कि 20 दिन पूरी हो जाएंगी 20 बोतलें, वो माशाल्लाह 10 दिन में ही खत्म हो गई। इतनी गर्मी है भाई, पानी पिया जाता है माशाल्लाह। तो आज फिर 60 बोतलें ले ली और ये 60 बोतलें मुझे मिली हैं 330 रियाल में और हर एक बोतल में 5 लीटर है। ये हमारे मोहल्ले की, हमारे घर के पास मस्जिद है और ये गाड़ी आई हुई है, ये लोग मस्जिद की मुरम्मत करते हैं। ये देखें, ये सारे भाई साहब हैं जो मस्जिद की मुरम्मत करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। चलें जी, हम लोग जद्दा में तो पहुंच चुके थे, गया था मैं इंडियन, लेकिन अभी खाना खाने के लिए आ गए हैं हम लोग यहाँ पर। ये भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बारबेक्यू आ गए, इस तरफ हमारे पास मलाई बोटी है और ये भट्टी का कबाब कह रहे थे इसको, भट्टी की बोटी है, भट्टी का कबाब है और ये चिकन सीख कबाब है और साथ में इसके दो तरह की चटनी है, ट्राई मारते हैं। और इस तरफ हमारे पास सलाद भी आ गई है। सबसे पहले ये इंडियन, इधर प्योर इंडियन स्टाइल के खाना है तो इसलिए मैं इधर आया हूँ आज थोड़ा सा इंडियन खाना खाने। यहाँ पर इसको इस चटनी के साथ लगा के कबाब को ट्राई करें, चटनी काफ़ी पावरफुल है, ज़बरदस्त। पाकिस्तानी रेशमी कबाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये अच्छी चीज़ है कि अलग जायका खाने को मिला। ये तो दूसरी तरह की हमारा रायता है, ये चटनी है, इसको ट्राई मारें। ग्रीन वाली चटनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मज़ेदार, खुशबूदार। और अब ये भट्टी कबाब, ये नई चीज़ है मेरे लिए, चिकन में है, इसको ट्राई करें। ये देखें ना, इसके ऊपर ना मसाले हर्ब्स वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें इसके ऊपर हर्ब्स वगैरह लगे हुए हैं और ये लखनवी कुजीन है इनके पास ना, इसलिए इस जगह पे मैं आया हूँ, इस रेस्टोरेंट पे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, अलग टेस्ट है, पाकिस्तानी टेस्ट से हल्के हट के लखनवी टेस्ट है। ये मलाई बोटी है, इसको ट्राई मारें ज़रा, ये देखें इसके ऊपर भी वही हरे कलर का ना मसाला वसाला लगा हुआ है, अच्छी है। लेकिन मुझे ये वाली जो भट्टी कबाब है, ये भट्टी बोटी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मलाई बोटी की नस्बत।
टुंडे कबाब जी। वैसे इसका क्या नाम है? ये ओरिजिनल इसका नाम है गलावटी कबाब। गलावटी कबाब जी, ठीक ठीक। लेकिन ये लखनऊ में हमारे टुंडे कबाब के नाम से फेमस है। ठीक हो गया। और ये बीफ सीख कबाब। बीफ सीख कबाब हो गया। ये शामी कबाब लखनवी। शामी कबाब लखनवी, क्या बात है, जबरदस्त। ये स्पेशल लखनवी शेरमाल है जो के साथ। ओके चलें यार, ये ट्राई करें। लखनवी शीरमाल रोटी है और इसका कलर ऊपर से दूसरा है। इसको लखनवी शीरमाल, इसको वैसे ही ट्राई करें यार। मीठी तो नहीं लगी रोटी, लेकिन ये टुंडे कबाब के साथ ट्राई करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बगैर चटनी बगैर हर चीज़ के। ज़बरदस्त, यूनिक चीज़ है यार ये मेरे लिए। हमारी पाकिस्तानी कुजीन में ये चीज़ें नहीं होती। ये लखनवी खाना है, क्या बात है। टुंडे कबाब नई चीज़ है मेरे लिए, साथ में चटनी चलनी चाहिए। ज़बरदस्त यार, अच्छा है। ये हमारे बीफ में है ना सीख कबाब, बीफ कबाब है यहाँ पर। और ये सिंपल ट्राई करें। उससे पहले अगर आप एक कुकुम्बर खा लेते हैं तो आपका माउथ वॉश हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप ओरिजिनल टेस्ट जो चीज़ खा रहे हैं ना उसका ले सकते हैं। बीफ कबाब भी बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अभी तक ये जा रहा है नंबर वन पे। टुंडे कबाब भी अच्छे हैं, लाइट हैं, इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं चटनी के साथ। अभी ट्राई करते हैं हमारे शामी कबाब। ये है भाई शामी कबाब, ओहो बग़ैर किसी भी चीज़ के शामी कबाब भी बहुत अच्छे बने हैं, मज़ेदार। अब मेरी पिक नंबर वन हो गई है ये वाले, पिक नंबर टू शामी कबाब, पिक नंबर थ्री ये, उसके बाद कबाब। दोनों का लेवल बराबर है, लेकिन दोनों अच्छे हैं कबाब। शामी कबाब बहुत अच्छा है यार। अभी भाई हमारे पास लखनवी बिरयानी आ चुकी हुई है और चिकन लवाबदार। ये एक चिकन लवाबदार है, मतलब लखनवी डिश है ये, इसको ट्राई मारेंगे। और इधर है हमारे पास मखनी दाल, ये मखनी दाल भी ट्राई मारते हैं इधर। और साथ में हमारे यहाँ पर नान है, धनिया नान, इसके साथ ट्राई कर रहे हैं हम लोग लवाबदार। क्या बात है, ये चिकन बोनलेस है ना, बोन के साथ। ठीक, चिकन लवाबदार पहली बार नाम सुना है मैंने। चलें बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, चीज़ के साथ बनाते हैं ना, मतलब चीज़ खाली ऊपर सजावट के लिए नहीं था, उसके अंदर भी है। हाँ बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। इसकी जो ग्रेवी बनी हुई है चीज़ के साथ बनी हुई है। क्या ये बीन्स डाले हुए? किडनी बीन्स, मसूर की दाल है ना? नहीं नहीं नहीं, कुड़क दाल। कुड़क दाल, काले रंग की, ब्लैक कलर की नहीं। अच्छा, कुड़क दाल। कुड़क दाल ठीक, उसकी बनती है, दाल माश भी कहते हैं। अच्छा दाल माश, ठीक। साबित दाल माश, साबित दाल माश। और इसमें किडनी बीन्स भी डाले हुए हैं, मखनी दाल इस चीज़ की बनी हुई है। और इसको ट्राई मारें, ज़बरदस्त। जो रेगुलरली हम लोग खाते हैं ना, उससे सब चीज़ों का टेस्ट डिफरेंट है, वो वाली वाइब नहीं है। ये भाई चिकन कोरमा आ गया हमारे पास। बिरयानी पे हम लोग एंड में जाएंगे, पहले चिकन कोरमा से होके थोड़ा सा गुजरते हैं। लेग पीस ही लें, थोड़ा सा इसके मसाला वसाला ले लें साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका जो मसाले हैं ना, काफ़ी मतलब थिक हैं। हमारा कोरमा जो होता है वो उसमें शोरबा नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसका ये ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त है। एकदम से इलायची की खुशबू आई है, कूट के डालते हैं भाई, कह रहे हैं मसाले इसमें ना एंड पे साबित मसाले कूट के डालते हैं, इसलिए इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील होता है। तो बाकी वही गरम मसाले और इलायची का फ्लेवर ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग फील होगा। लखनवी कुलचा जो निहारी के साथ खाते हैं जी। अच्छा, ओ ये गरम है, ये ठंडा हो जाए फिर। अब भाई ने रेकमेंड किया है कि इसको गरम ही खाना चाहिए, तभी मज़ा आएगा आपको। ये लें भाई, इसके आटे में ऑयल डालते हैं ना घी के साथ। अच्छा डबल लेयर में लखनवी कुलचे के साथ हमारा चिकन कोरमा। यार ये कुछ